नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है चक दे क्रिकेट में। आज हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे सीरीज के बारे में। भारतीय टीम वर्तमान में न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां भारतीय टीम ने T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद वनडे मैच में भारतीय टीम सभी मैच एक के बाद एक हारती चली गई। भारतीय टीम के वनडे सीरीज में हार होने के बाद भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी की बात सामने आने लगी है। फिलहाल हार्दिक पांड्या पीठ में चोट के कारण बेंगलुरु रिहैब सेंटर में इलाज करा रहे हैं। भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के बाद अब मार्च में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी है, जिसमें उम्मीद लगाया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की वापसी हो सकती है। मार्च 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आएगी। आपको बता दें कि इस सीरीज से पहले सितंबर अक्टूबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत के दौरे पर आई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को T20 और टेस्ट मैच दोनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अब फिर से दक्षिण अफ्रीका की टीम मार्च में 3 वनडे खेलने के लिए भारत आ रही है। यह वनडे सीरीज 12 मार्च से 18 मार्च तक खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला वनडे 12 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में वेदर की बात करें तो 12 मार्च को दिन में बादल छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिन का तापमान 12 डिग्री तो वहीं रात का तापमान 5 डिग्री रहने की उम्मीद है। इस दिन बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। अगर इस दिन बारिश होती है तो भारत का दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला पहला वनडे मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है। सीरीज का दूसरा वनडे मैच 15 मार्च को लखनऊ में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 से शुरू होगा। लखनऊ में वेदर की बात करें तो आसमान खुला रहेगा। दिन में तेज हवा चलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन में 30 डिग्री से ज्यादा तापमान रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 18 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 से शुरू होगा। कोलकाता के वेदर की बात करें तो 18 मार्च को आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, तो वहीं रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।